हेलो गाइस, मैं जो है इस वक्त रोड पे खड़ा हूँ और मैं प्लान कर रहा हूँ दोबारा जाने के पिनकाओ पियर पे, जहाँ से मैं बोट पकड़ के अराउंड द सिटी साथोन तक घूमने का प्रोग्राम बना रहा हूँ। लास्ट टाइम भी मैंने एक प्रोग्राम बनाया था। राइट नाउ आई हैव कम टू साथोन टू कैच अ बोट टू पिनकाओ। मुझे पता चला कि बोट भी जाती है पिनकाओ तक, मैं सोचा कि क्यों ना आपको साथोन से पिनकाओ तक का डिस्टेंस जो है वो बोट पे दिखाएं कि मतलब हम लोग कैसे होके जाते हैं। और इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि मैं भी पहली बार देखूंगा ये चीज़। वो क्लिप आपने देखा होगा, अभी मेरी कोशिश नाकाम हो गई थी उस वक्त, क्योंकि सिर्फ संडे को जो है बोट नहीं चलते हैं और मैं संडे को ही गया था। तो कोई बात नहीं, आज फिर से ट्राई मारेंगे और आज जाके रहेंगे, घूमते हुए जाएंगे। और चलिए चलते हैं, देखते हैं कि कैसा रहता है हमारा बोट का सफ़र। देखिए, मैं चौफाया रिवर के पास पहुंच चुका हूं और यही वो जगह है जहां से हम लोग बोट पकड़ेंगे साथोन के लिए। तो यहां पर मैं देखा कि एक बोर्ड लगा हुआ था, तो मैं सोचा इसको पढ़ूँ, क्योंकि चौफाया रिवर के बारे में यहाँ पर कुछ बताया गया है। और चलिए मैं पढ़ता हूँ और आप इसको ज़रूर सुनिएगा। मैं एक क्लिप भी डाल दे रहा हूँ इसका, वीडियो का वीडियो बना के, कि मतलब आपको दिखे कि इसमें क्या लिखा हुआ है। तो इसमें लिखा है कि चौफैया इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रिवर इन थाईलैंड। इट बिगिंस फ्रॉम द नॉर्थ ऑफ थाईलैंड फ्रॉम द पिंग वांग योम एंड नान रिवर्स मर्जिंग टू फॉर्म द एस्टुअरी एट पकनामपो डिस्ट्रिक्ट ऑफ नखोन सवान प्रोविंस। इट फॉलोज साउथवर्ड्स थ्रू उथाईथानी छाईनाथ सिंगबुरी अंगटोंग। एस्टुअरी यूज टू the location of the Chowphaya district, thereby giving the name to the river Chowphaya। और इसमें और भी चीज़ें लिखी हुई हैं, जैसे कि मतलब जो राजा थे अयोध्या के 1534 से 1546 के बीच में, जिन्होंने राज किया था, क्या नाम है इनका, ऐसे नाम तो नहीं दिया लेकिन कुछ लिखा है, सोमदेव रछाई रछाथेराथ द किंग ऑफ अयोध्या, हाँ हो सकता है ये इनका नाम हो। और उन्होंने एक कैनाल बनवाया था जो कि शॉर्टकट था एक तरीके से मान सकते हैं। और क्या लिखा है, लेटर ड्यूरिंग द ईयर द माउथ ऑफ बैंकॉक नॉय कैनाल टू द माउथ ऑफ बैंकॉक याई कैनाल नेम्ड इट क्लोंग लात बैंकॉक, यानी कि बैंकॉक शॉर्टकट कैनाल जो कि मैं बता रहा था, which then turned out to be the same stream as Chowphaya River until today। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि जैसे हमारे इंडिया में गंगा नदी है जो इम्पोर्टेंस दी जाती है गंगा नदी को, सेम उतनी ही इम्पोर्टेंस जो है चौफैया रिवर को भी दी जाती है। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं। ये देख रहे होंगे आप मेरे पीछे, ये जहाँ एंड हो रहा है बस वहीं हम लोग को बोट पकड़ना है। और बोट पकड़ते पकड़ते मैं आपसे बात करते करते चलता हूँ, क्योंकि ऐसा कुछ दिन पहले मेरे कुछ दोस्तों ने बोला कि यार तू वीडियो तो डालता है लेकिन बोलता बहुत सिंपल है, मतलब ऐसा कुछ तड़कता भड़कता नहीं बोलता है। तो मैं सोचा यार कि ये तड़कता भड़कता कैसे बोलते हैं। अब दिमाग 10 क्रिएटिविटी कर सकता है, लेकिन ऐसी क्रिएटिविटी भी क्या कि मतलब ज़बरदस्ती का वो दिखाओ जो आप हो ही नहीं। और मैं वो दिखाना ही नहीं चाहता जो मैं हूँ नहीं, मैं सिंपल हूँ, मैं अब नेचुरल परफॉर्मेंस ही देना जानता हूँ, तो नेचुरल तरीके से ही बात करेंगे ना यार, वो ज़्यादा अच्छा लगता है। या मैं अब आऊँ स्टाइल में से बीच में से कैमरे में कुछ, ये हे दोस्तों क्या तुमने कभी किसी से प्यार किया, क्या तुमने कभी किसी को दिल दिया, दिया मैंने भी दिया चूतिया, नहीं अच्छा लगता है ना। तो फिर
चलिए चलते हैं बोट की तरफ। यहाँ से बोट पकड़ेंगे और साथोन की तरफ पढ़ेंगे। ओके, मास्क पहनना पड़ता है भाई साहब, ये बात याद रखना। तुम लोग अगर इंडिया से देख रहे हो जो लोग भी, तुम लोग तो ज़रूर मास्क पहन के घूमना, यहाँ तो कोरोना नहीं है, समझे ना। और मुझे इसलिए पहनना पड़ता है, देखो मैं पब्लिक में चलता हूँ, ऐसे नॉर्मल तो जल्दी पहनता नहीं हूँ, लेकिन कहीं पब्लिक गैदरिंग जहाँ होती है वहाँ पहनना ज़रूरी होता है भाई, अलाउ नहीं करते यहाँ पे लोग। अच्छा देखो, ये है पीछे रिवर, और अभी मैं अब आगे जा रहा हूँ टिकट लेने के लिए, तो तुम वो भी देखो ठीक है। साथोन 15 बार ओके 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 थैंक यू। टिकट विकेट मिल गया हमको, और अब मैं आके यहाँ पे बैठ गया हूँ। अच्छा तो लग रहा देखने में यार। अब देखो बोट कितने टाइम में आती है और कितने टाइम बाद मैं पकड़ूँगा। देखो बोल रही थी शायद 20 मिनट, अब वो 20 मिनट पहुँचाने के लिए बोल रही थी या 20 मिनट में आएगा बोट, ये बोल रही थी। आधा समझ में आता आधा नहीं समझ में आता है, धीरे धीरे आ जाएगा, सीख रहा हूँ। तो आई एम एक्साइटेड, एक्चुअली आई एम रियली वेरी एक्साइटेड। और सबसे अच्छी बात जानते हो क्या है, इतना बढ़िया घूमने के बाद हम जाएंगे आटा उठा के ले आएंगे वहाँ से, 5 किलो आटा उठा के लाना है। तुम लोग तो वीडियो देखो, मज़ा लो, हम जाएंगे आटा उठा के लाएंगे ऐसे अपने सर पे भूत की तरह। इतना बढ़िया सोचे थे कपड़ा पहन के आए, देखे हमने सोचा आज बढ़िया बढ़िया बन के चलें, खूब आटा उठाने जाना पड़ेगा। एक बार हमसे इतना हीरोगिरी होता भी नहीं कि साला 10 बार बाल बनाओ, 10 बार ये करो, 10 बार वो करो, नहीं होता भाई, ऐसे ही सही है और क्या। फालतू में कौन देख रहा है, कोई देखता तो सोचते भी। चलो जब बोर्ड पे बैठूंगा तब आगे की बात करूंगा, नहीं तो वीडियो 20 मिनट की हो जाएगी और कोई 2 मिनट ज़्यादा वैसे भी नहीं देखता है। A few moments later. One eternity later. Sorry. Okay, finally we are ready to board. का बोर्ड साथोन तक तो जा रहे हैं। फाइनली वी आर रेडी टू बोर्ड। एक्चुअली मैं थोड़ा ऐसा बात करने की कोशिश कर रहा था, कैसे हो जो प्रोफेशनल लोग बात करते हैं। यस गाइस, फाइनली वी आर रेडी टू बोर्ड ऑन द बोट टू साथोन, होना चाहिए ना थोड़ा। अंदर लाइन में खड़े हैं, हम तुमको लाइन दिखा रहे हैं। साथोन तक जाएंगे हम लोग, फिर एज यूजुअल आपको पता ही है मुझे आटा लेने जाना है।
डर गए। अरे भैया आप तो गिर जाएंगे। ओके फाइनली वी हैव कम ऑन द बोट। बोट देख लो भाई पहले। टेम्पल थाईलैंड में टेम्पल को वाट बोलते हैं, मुझे पता नहीं है एक्चुअली कि कौन सा टेम्पल है, लेकिन बहुत सुंदर है। मज़ा ही अलग है। एक तो धूप नहीं है, दूसरी बात ये कि बड़ा ही अच्छा लग रहा है यार। ये सारे देखो इस तरीके से मार्केट से सारे मार्केट हैं, और जो एक फ्लोटिंग मार्केट का मज़ा होता है वैसा ही कुछ आ रहा है, बस ये कि ये रिवर है और काफ़ी अच्छा लग रहा है। योट पेमान रिवर वॉक वी हैव रीच्ड। अब कुछ स्टेशन बाद हम लोग चातौन भी पहुँचने वाले हैं। इट्स नॉट टू फार, सो लेट्स एंजॉय। ज़िंदगी को ऐसे देखना एक अलग ही बात है। लोग रोज़मर्रा का काम कर रहे हैं और लोग अपनी ज़िंदगी में व्यस्त हैं, और आप को एक स्क्रीन पे ये देखने में बड़ा अच्छा लगता है कि नदी के किनारे हमारा घर है, हमारा काम है, हम इसको कर रहे हैं, लेकिन वाकई में ये लोग बहुत मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं लोग।
जंक्शन, आर जंक्शन, ताथॉन, और यहाँ से आपका और मेरा सफ़र यहीं ख़त्म होता है, क्योंकि मुझे यहाँ से अब जाना है आटा लेने। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगे। आप खूब सारा लाइक दीजिए, मन करे तो कमेंट कीजिए, और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि भैया आपके सब्सक्राइब के बिना ना ही मैं आप तक पहुंच पाऊंगा और ना ही आप मुझ तक पहुंच पाओगे। बोट इतनी तेज़ चल रही, इतना आवाज़ हो रहा है कि मुझे बहुत तेज़ बोलना पड़ रहा है। चलो अब एकदम टाइम आ गया है। वी हैव रीच आर जंक्शन। ये भगवान, ये जब बोट रुकती है तो हम और डर जाते हैं। So finally, I hope you have liked this video. I hope you have enjoyed watching the journey. बहुत ज़्यादा लंबी journey नहीं थी, और ये नज़ारा, ये खूबसूरती, एक तरीके से कह सकते हैं कि नदी के किनारे पहले गांव बसे, गांव से शहर बना, और शहर फिर देखिए ऊंची ऊंची इमारतों में तब्दील हो गए। तो बड़ा मज़ा आया घूम के हमें तो, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको भी घूमने में मज़ा है। लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि यही एक ज़रिया है हमारा और आपका कनेक्ट होने का। चलिए, टेक केयर, आई एम गोइंग टू टेक आटा। Yeah.